सिंगरौली में लॉयंस क्लब के निशुल्क योग शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे भाजपा विधायक ने लोगों से कहा कि नियमित योग जरूर करें, लेकिन इस बार लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान जरूर करें। लॉयंस क्लब ने काइट्स राइज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन विधायक रामनिवास शाह और भाजपा महामंत्री सुंदर शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया। लॉयंस क्लब विद्युत विहार के अध्यक्ष लॉयन अमित राज, प्रोग्राम चेयरपर्सन लॉयन अरविंद जायसवाल, लॉयन विजय नारायण सिंह ने अतिथियों का अंग वस्त्र एवं स्वामी विवेकानंद का छायाचित्र देकर सम्मान किया। योग प्रशिक्षक दीपा सिंह तथा सचिन तिवारी के सानिध्य में विधायक रामनिवास शाह ने भी सभी प्रशिक्षुओं के साथ योग किया। अपने संबोधन में शाह ने लॉयंस क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सभी से नियमित योग करने की अपील की तथा लोकतंत्र के महापर्व में भी अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने कर्तव्य के निर्वहन करने की बात कही। लोकतंत्र का महापर्व आ गया। कल इंडिया टुडे के कार्यक्रम में ही माननीय मोदी जी ने आगाज किया और कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है, इसको हम अधिक से अधिक उत्साह पूर्वक मतदान दिवस से लेकर प्रचार प्रसार से लेकर हम ये देखें कि आने वाला समय 2047 तक भारत कैसे निर्माण होगा, इस दिशा में हमारी भूमिका क्या होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वस्त कराया और विश्वास दिलाया और मार्गदर्शन दिया। आज विद्युत विहार योग दिवस में एक कार्यक्रम निःशुल्क जो चला रहे हैं माननीय अमित राज जी, माननीय सचिन तिवारी जी, बहन दीपा जी, अरविंद जायसवाल जी, सम्मान्य सिंह साहब और हमारे डॉक्टर सुनील सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि योग के माध्यम से हम कैसे निरोग बने, इस दिशा में आपका पहल बहुत अच्छा है। ऐसे भी अमित राज जी जो काम करते हैं सब उत्कृष्ट होता है। आपने विद्यालय खोला, विद्यालय में बच्चों का आना हुआ तो जो यहाँ के जो केंद्रीय विद्यालय थे उनके बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपने पसीना छुड़ा दिया और बहुत अच्छा काम किया। लायंस क्लब की तरफ से ये जो फ्री शिविर चल रहा है तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों वो आएँ और योग का लाभ लें, और योग जब करेंगे तो पता चलेगा कि ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जैसे लोग टीवी मोबाइल में जितना टाइम वेस्ट करते हैं वो उसके मुकाबले सिर्फ एक घंटा अपने ऊपर दीजिए, और ये एक घंटा सिर्फ आप अपने लिए देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग आएं और योग करें, और इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।